बेटी की शादी के मौके पर, अपनी ही बेटी की शादी के मौके पर आप लोगों को रोमांटिक होने का मौका मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप लोग? नहीं, रोमांटिक नहीं हो रहे, ये संगीत है, हमारी बेटी की शादी है, उसकी शादी का संगीत है, तो वी आर ऑल डांसिंग, और कहीं उस डांस में हम खो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आई एग्री विथ हिम, यहाँ हम रोमांटिक होने की कोशिश नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डांसिंग टुगेदर सिंस वी आर द डांस इज रोमांटिक पेरेंट्स, या बट द डांस इज ऑफ द रोमांटिक। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत रिलक्टेंटली डांस कर रहे हैं आप लोग, फोर्स किया गया है आप लोगों को डांस करने के लिए संगीत के मौके पर, अनाउंसमेंट करके, मतलब नहीं ऐसी कोई बात, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑकवर्डनेस व्हिच इज वेरी नॉर्मल। 15 साल बाद आप लोग करीब आए, क्या कहना चाहिए, मतलब इतने करीब आए डांस के? सॉरी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। 15 साल बाद आप दोनों मतलब इतने पास आए, डांस ही हो पर इतने पास आए आप लोग आज? नहीं, मैं तो साइकिल पे बिठा के इनको घुमा के लाया, और बहुत प्रॉक्सिमिटी तो कई बार सीजन हो चुकी। से बात कर रहे हैं, जब स्पीच दे रहे थे काफी इमोशनल हो गए थे सर आप। हाँ, वो बेटे की शादी की बात है इसलिए इमोशनल। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, पर्सनल लाइफ में तो डांस करना कितना एंजॉय करते हैं? मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, मैं इनसे भी ज्यादा एंजॉय नहीं करती हूँ। थैंक यू सर।